खेल की शुरुआत, गेम स्टार्ट। पहली ओवर की पहली गेंद, ओहो क्या बात है, पहली गेंद पर बैट्समैन को बांधे रखा, बीट करती हुई नजर आई। मेरे ख्याल से बैटिंग के लिए अथर आर्या भाटकर और उनके साथ में सिद्धेश, ये ओपनिंग रिकॉग्नाइज पेयर है। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे दोस्त सुहेल नादगांवकर, सुंडिकेट से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छा साथ दे रहे हैं। इस बार देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश की, लेकिन राम सर का कहना है कि ये गेंद छठे सातवें स्टंप पर थी। वाइट का कहना आ चुका है, खाता खुला एक के साथ, एक की कीमत बहुत ज्यादा है। सुहेल अगर एक एक वोट से अगर कैंडिडेट कोई जीतता है ना, तो उसको रात भर नींद नहीं आती है। और एक मार्क्स से पास होने वाले स्टूडेंट को पूछो कि एक मार्क्स की कीमत क्या है, एक रन की कीमत भी ज्यादा है। एक से शुरुआत की थी और ये देखिए खाता खोला है बल्लेबाज ने अपना एक के साथ। क्या आप अपने काम से फारिग नहीं हुए होंगे, तो थोड़ा सा काम को आगे पीछे कर लीजिए। कई तो दर्शक ऐसे भी होंगे रविंद्र सर, अनेक प्रेक्षक किंवा अनेक मान्यवर मंडळी हे विचार करून आले असेल आणि सांगत असतील एक दुसऱ्याला की आम्ही आमचं काम नंतर करू, पण आम्हाला आमच्या संघाची मॅच पाहायला जायचं आहे। यस, आणि आमचे संतोष एजन्सीचे जे मालक आहेत त्यांच्याकडून बक्षीस आहे, प्रत्येक विकेटवरती 100 आणि झेलवरती 50, सिक्सवर पण ते नंतर सांगणार आहेत, फक्त संतोष एजेंसी या संघाला। ओहो इस बीच देखिए कट किया था, और मैं तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा, तमाम बच्चों से, कुणीच घरी जायचं नाहीये, मॅच फायनल झाल्यानंतर पण कुणी घरी जायचं नाहीये, तमाम खिलाड़ूना मेडल दिले जाणार आहेत। चलो मैच की तरफ रुख करते हैं, जहां पर एक ओवर का खेल खत्म हो गया। पावर प्ले की ओवर में नपी तुली वाली गेंदबाजी, इकोनॉमी का देश पाटिल जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे बड़ा टोटल खड़ा रखा, सबसे बड़ी बल्लेबाजी की, 96 रन बनाए नट आउट। इस खिला के लिए हम देखे तीन दिन से जितनी तारीफ कर रहे हैं ना, उतनी कम हो रही हिमाचल सर। फिर से एक बार चलते देखे राइट आर्म और द विकेट के साथ गेंदबाज प्रथमेश शिंदे, स्विंग का महारथी। ओहो देखे इस बार गेंद आउट स्विंग हुई, सीधा गेंद कीपर दस्तानों में, फैसल मुल्ला वहां पर अच्छी कीपिंग करते हुए माल की शुरुआत दिलाने में कामयाब हो गए हैं सिद्धेश पाटिल, अच्छी शुरुआत है, एक चौका आया है। फिर एक बार देखिए स्लो ओवर वन गेंद थी, बिल्कुल सही कहा मेरे पीछे साई भी, देखिए बड़ी ही बारीकी से मैच को देख रहा है, चिपलून से आया है, एग्जीबिशन मैच में हीरो बन गया था और बिल्कुल कह रहा है कि हिमाच सर ये गेंद स्लो ओवर वन थी, सही कहना है उसका। और मैंने भी उस गेंद को समझा था क्योंकि गेंद स्लो थी, धीमी गेंद थी, स्वेल गेंद टिप्पा गिरने के बाद सीधी बाहर की तरफ। चारे की कैप्टनशिप की बात की जाए हिम्मत सर, तो मुझे लग रहा है कि इनकी टीम में जो आयुष कोलतरकर विकेट टेकर जिसके हमने नाम दिया, उस गेंदबाज को नए गेंद के साथ क्यों नहीं लाया? बिल्कुल उसको पीछे रखा है, कहा ना कहा उससे भी पावर प्ले में गेंदबाजी करवाना जरूरी है, ऐसा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है। ओवर टू स्वेल, देखिए उसका आना बहुत जरूरी था क्योंकि ये निर्णायक मैच है, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला, फाइनल मुकाबला चल रहा है। आयुष कोलतरकर जो कि दापुली एक्सप्रेस उसे नाम दिया गया, लेकिन उस गेंदबाज को नए गेंद के साथ गेंदबाजी का मौका नहीं दिया है अभी तक कैप्टन ने। ये थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस का तो कुछ हर्ज नहीं है, आदित्य विचारे एक अच्छे कैप्टन है लेकिन उसको अभी भी सोचना पड़ेगा, अभी भी नया गेंद है क्योंकि चौथी ओवर प्रगति पर चल रही है। और गेंदबाजी के लिए प्रथमेश शिंदे फिर से एक बार, अच्छी गेंद देखिए कमाल की आउट स्विंग होती हुई गेंद, क्या कमाल की देखिए गेंदबाजी कर रही है, खिलाड़ियों ने लगातार प्रभावित किया है तीन दिन से और ये चौथी दिन भी, चौथी दिन के अंदर फाइनल का मुकाबला, फाइनल मुकाबले के अंदर भी इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, एक हाई लेवल पर क्रिकेट गया हुआ है। और प्रथमेश शिंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, दूसरे स्पेल में आए
और लगातार अपने कैप्टनशिप ये जो कैप्टन ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे के ऊपर खड़े उतर रहे हैं। अगर बात की जाए थोड़ा सा स्कोर यहाँ पर धीमी बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन गेंदबाजी तो अच्छी हो रही है ना, इसलिए थोड़ा बल्लेबाज स्ट्रगल करते नजर आ रहा है। फिर से एक बार सिरस खटावकर सर का इशारा वाइट का आ रहा है, दोनों हाथ आसमानों की तरफ, एक्सरसाइज करने का मौका और मौके को तो इस बार दोनों हाथों से लपका है। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या कुल मिलाकर बनी है 18, चौथी ओवर प्रगति पर चल रही है। फाटक डेवलपर्स एंड की तरफ से गेंदबाज प्रथम शिंदे, देखिए फिर से एक बार जो लीग अंपायर में खड़े सुमित जामदार सर, पीयूष कोलतारकर द विकेट टेकर। बिल्कुल फिर एक बार मैच की तरफ आते हैं जहां पर एक अच्छा क्रिकेट चल रहा है। एक मिनट आयुष, एक मिनट, रिक्षा बाहेर काढा प्लीज, रिक्वेस्ट करतोय दादा, रिक्षा बाहेर काढा आणि या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी धनंजय जोरे आलेले आहेत, त्यांचे वडील आलेले आहेत, त्यांचं सहर्ष स्वागत। मी त्यांचा मुलगा झोनला सिलेक्ट झालाय, यस सुमित सर स्टार्ट करिए, चलो मैच की तरफ रुक करते हैं। फाटक जिस तरीके से बालाजी कंस्ट्रक्शन एंड की तरफ से, हा ये देखिए पहली गेंद, देखिए पहली गेंद पर कोई रन नहीं, डॉट बॉल, बहुत ही कमाल का गेंदबाज है क्योंकि विकेट टेकर की हैसियत से बॉलिंग करता है। लेंथ लाइन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग है। ये देखिए क्या बॉलिंग चल रही है, जितनी प्रशंसा की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम है। जब जब इस गेंदबाज को लाया जाता है तब बैट्समैन के होश उड़ जाते हैं। सुहेल बिल्कुल हम बर्वे सर की तरफ भी बढ़ जाएंगे, लेकिन पावर प्ले की इस ओवर के बाद जरूर उनके पास जाएंगे। ये मुकाबला जरूर मैं बर्वे सर से भी पूछना पसंद करूंगा कि ये टूर्नामेंट किस प्रकार ऑर्गेनाइज की गई है, किस तरीके से मेहनत की गई है, सब बातों को सामने लाएंगे। बड़ा मैच है, जरूर चर्चा होगी। इस बीच राइटम ओवर द विकेट, ओहो क्या गेंदबाजी है, यही तो मेरे लिए फेवरेट गेंदबाज है। मेरा फेवरेट कोई गेंदबाज होगा तो आयुष कोलतारकर वनितानो, यस एकदम जोरदार ताल्या वादा कर, पाच चेंडू आणि एक ही रन झालाय काय, आम्हाला या फायनलच्या सामन्यामध्ये दुसरं मेडन ओव्हर पाहायला भेटतोय का? होय भेटेल, नक्कीच भेटणार आहे। क्या स्विंग के साथ चल रहा है, स्विंग का राजा, रफ्तार का सौदागर, वनी भाटी एक्सप्रेस, दाबोल से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी आज दापोली में दाखिल हो चुका है। वाह 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 क्या बॉलिंग है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। मेडन ओवर डालिए फाइनल वाले मैच के अंदर, और इस पावर प्ले का उपयोग करना बहुत जरूरी है, फायदा उठाना बहुत जरूरी है। बात की जाए आर्या भाटकर की, 17 गेंद पर 3 रन पर खेल रहे, तो सिद्धेश पाटिल पूरी तरह से धीमे साबित हो रहे, 15 गेंद और 8 रन, क्योंकि गेंदबाज भी उतने ही अच्छे हैं ना। देखिए एक बैटल बनने वाला है आयुष कोलतारकर और सिद्धेश के बीच। देखिए अच्छा शॉट खेला, जब तक देखिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई थी संघाच्या कर्णधाराने। सर दूसरा प्रश्न हा विचारेन कि तुमच्या आणि राम सरांच्या ही संकल्पना कशी काय तुम्ही कशी काय तुमच्या डोक्यात आली, कारण की मी जेव्हा लहान होतो तेव्हापासून मी पाहतोय की तुम्हाला आणि राम सरांना तुम्ही एकत्र मित्र म्हणून काम करता, दोस्त बन के आप काम कर रहे हो, और आपके साथ में जिस तरीके से हमारे दीपक सर, अनिकेत सर, उनकी पूरी टीम, हमारे कादिर भाई, साथ ही साथ जिस तरीके से सुशांत सर, ये जितने भी सलाहकार, हमारे महेश सर, ये जितने भी हमारे साथ देने वाले जितने भी लोग हैं, प्रशांत सर, प्रशांत विचारे, और जैन सर, साथ ही साथ माने सर, ये जितने भी लोग हैं, सर क्या कहोगे इन, ये आपकी सोच कब कैसे बनी, क्या कहोगे? कल्पना राम सरांनी मांडली आणि मी दोघांनी करून आपल्याकडे मॅच भरवायचा एक डिसिजन घेतला। को इमोशन के साथ करना पड़ता है, मैं तो अपने अंदाज में खुलकर करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे दोस्त, मेरे सर का, मैं राम सर का, और हमारे बर्वे सर का, हमारे अनिकेत भाई का, हमारे कादिर भाई का,
जिन्होंने हमको मौका दिया, सुहेल को और मुझे। सुहेल हम आपकी तरफ बढ़ते हैं, 200 रुपए का इनाम किन की तरफ से? बाबू पेड़ेकर की तरफ से 100 रुपए का इनाम। अच्छा चल रहा था, पहली ओवर में देखा जाए तो सफवान की ओवर में 3 रन आए, फिर देखा जाए तो प्रथमेश ने दूसरा ओवर डाला 4 रन आए, फिर तीसरे ओवर की अगर हम बात करें तो सफवान ने डाला जिसमें 11 रन आए, और कुल मिलाकर जिस तरीके से 11 रन हुए, और फिर उसके बाद जो ओवर डाला था प्रथमेश ने उसमें 10 रन आए, यानी कंटिन्यू रन आते गए, धीमे धीमे स्कोर बढ़ता रहा, लेकिन जो चेंजेस नजर आया वो सही मायनों में चेंजेस जर्सी नंबर 8 जिस तरीके से सिद्धेश पाटिल के रूप में, और इनको रोक के रखा है तो एक ही गेंदबाज है तो वो है आयुष कोलतरकर। यस इट इज आयुष कोलतरकर, उसका एक स्पेल हो गया है, उसके दो स्पेल बचे हुए हैं, दूसरे स्पेल में लाना बहुत जरूरी था बिल्कुल। और अभी भी देखिए ये बॉलर से उम्मीद ज्यादा है, ये गेंदबाज, ये विकल्प उनके पास अच्छा है कि उन्होंने शौर्य को बुलाया है, शौर्य भी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, इससे पहले वाला ओवर उन्होंने देखा जाए तो 7 रन का किया था, 7 धावन सा यानी षटक आतरलं होतं, आता परत एकदा विकेट की खुराक के साथ विकेट टेकिंग बॉलिंग की हैसियत से बॉलिंग पर राइट एम ओवर द विकेट। ओ क्या बात है, बल्लेबाज आर्य भाटकर को पूछा गया, मित्रा चेंडू बरा होता ना, ठीक होता ना, कसा गेला चेंडू? सरल यष्टी रक्षकाच्या हातात, ओ हो, क्या बात है, शॉट, क्या गेंद है, कमाल की गेंद, बहुत ही करीब से गई थी सुहेल, बहुत कमाल की गेंद थी, ऊपरी सा लग सकता था। आर्य भटकर अब स्ट्रगल कर रहे, बिल्कुल स्ट्रगल नजर आ रहा है इस बीच। शौर्य बहुत ही अच्छा गेंदबाज, टीम के लिए बहुत कारीगर साबित हो सकता है। यहाँ आपने सवाल भी पूछे थे इंटरव्यू में कि कितने रन बना सकेंगे, कितने का टारगेट रखना पसंद करोगे, लेकिन यहाँ पर पहली साझेदारी देख रहे हैं आप, 49 रनों की अब तक हुई है, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, बैकफुट पंच करना चाहते थे, इस बार इस गेंद पर कोई रन नहीं, बिल्कुल आदित्य ने भरोसा दिखाया शौर्य पर और शौर्य खरे। हिम्मत सर एक ही कहूंगा कि सिद्धेश पाटिल की आज कैप्टन सिवा एग्रेसिव नहीं देखने मिली है, क्योंकि देखिए आर्य भाटकर थोड़े धीमे चल रहे, उनके पास एक अच्छा ऑलराउंडर रत्नागिरी एक्सप्रेस जो बल्लेबाजी कर सकता है शौर्य सॉरी सर्वेश, उनको जो ओपनिंग करने आते हैं उनको पीछे रखा और आर्य भाटकर को ओपनिंग में लाना, और वो भी ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में, और थोड़े निराश किया है। उन्हें पता भी है कि मैच बड़ा है, कुछ अलग करने का इरादा होगा, वो वक्त बताएगा सिचुएशन क्या होगी सुहेल, लेकिन मैच की तरफ हम लौट चलते हैं जरूर। एक बार ये देखिए इस वाली गेंद पर हवा में उड़ाया है, दूर तो नहीं गई है, ऊंची जरूर गई प्रथमेश गेंद के नीचे जब तक आते, लेकिन वहां पर स्ट्राइक एंड पर जो अंपायर थे श्रेयस सर, उनका कहना है कि ये गेंद नो बॉल, मैंने पहले कहा था क्या छूटने के बाद कि ऐसा ना करना बोलना पड़े कि सिद्धेश का बल्ला माशाल्लाह, ये तो मैं कहता ही हूँ अक्सर, आपको पता ही है, लेकिन क्या छूटने के बाद बोलना पड़ा ही सिद्धेश का बल्ला माशाल्लाह चल पड़ा है फिर एक बार माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का बैट्समैन है। और ये देखिए फिर एक बार शौर्य, एक अच्छा गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द स्टंप, देखना है अगली गेंद। हाँ इस गेंद पर सुमित सर का इशारा, वाइट का लेग स्टिक के बाहर गेंद थी, अतिरिक्त रन मिलेगा। आर्या की अगर हम बात करें, आर्या भाटकर 24 गेंदों में 7 पर खेल रहे हैं, और उनके साथ में सिद्धेश पाटिल 31 गेंदों में 33 पर खेल रहे हैं, जिसमें 6 चौके शामिल। वाह ओ माय गॉड क्या बल्लेबाज नजर आ रहा है, 6 चौके लगा चुका है, इसकी बैटिंग को देखने के लिए हर कोई एक टकल लगाकर मैच को बैठा है देखने के लिए। इनके मैं इस गेंद के बाद कहता हूँ जो मैं कहने वाला हूँ अपने अंदाज से। इस बीच अगली गेंद, ओहो ये भी गेंद देखिए, सुमित सर का इशारा, फिर गलती कर बैठे गेंदबाज, कहाँ ना कहाँ देखिए सुहेल बॉलर अपनी लाइन लेंथ को भूल रहा है। तो मैं कह रहा था ना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका रिचार्ज आज ही खत्म हुआ होगा, तो जरूर दुकान में गए होंगे और कहते होंगे दुकान वाले से, बाबा जल्दी से जल्द हमारा रिचार्ज रिफिल कर, हमको फाइनल वाली मैच देखना है भाई, जल्दी कर, क्योंकि हमें ग्रैंड फिनाले का मजा लूटना है, ये क्षण बार बार नहीं आएगा, इसीलिए तो दापोली के आजाद मैदान पर ये ही संकल्पना राबोली लिया है। वाह फिर एक बार ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग वाला स्ट्रोक था, कारपेट के सहारे खेला, गेंद के मिरिट के हिसाब से स्ट्रोक खेलने बहुत जरूरी है सुहेल सर, अगर आप ऐसे के सुबह सवेरे ही मन बना कर आए कि हम ऐसे ही बैटिंग करेंगे।
बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सुहेल सर आपने जो कहा था ना कि आर्य स्लो खेल रहा है 25 गेंदों में 8 पर, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन की आपने बात की थी, एग्रेसिव बना नहीं नजर आ रहा है, वो एग्रेसिव बना ले लीजिए, कैसा दिखा रहा है देखिए, 32 गेंदों में 37 रनों की पारी, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है 7 से 8 चौके शामिल, और हर चौके पर 50 रुपए का इनाम है। जिस तरीके से महावीर जैन इनकी तरफ से, और ये देखिए फिर एक बार गेंद चली सजना साजन के घर, डीप पॉइंट लेके रीजन में जड़ दिया एक चौका। सिद्धेश पाटिल ऑन फायर मैदान के अंदर, आखिरी का एक गेंद आना बाकी, फाटक डेवलपर्स 10वीं ओवर का आखिरी गेंद, अच्छी गेंद इस बार कट किया, फिर से एक बार गेंद निकली, तारा रारा पम पम, लगातार दूसरा चौका बैक टू बैक, फिर से एक बार सिद्धेश पाटिल का होने वाला है बेड़ा पार। कितना खूबसूरत अंदाज में खेला है, टाइम आउट तो लिया जाएगा, लेकिन इस चौके की अगर हम बात करें तो राम सर मुझे ब्रेन लारा की याद ताजा हो गई, इसी तरीके के वो स्ट्रोक खेला करते थे, और बेहतरीन अंदाज में थ्रू दी कवर, कमाल का टाइमिंग, और ये पूरा शे पूरा क्रेडिट जाता है ना सुहेल, ये इन ऑर्गेनाइजरों को जाता है, इन कोच को जाता है जिन्होंने रात दिन एक किया और इन बच्चों के लिए मेहनत उठाई, बहुत सारी मेहनत की, और सिद्धेश ने मेन बॉलर को भी ठोक दिया। स्टेज पर आ जाइए, इनका स्वागत है। अब देखिए फिर एक बार बॉलिंग पर देखिए कौन आया है, वनी भाटी, साबोल से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी, छोटे से वाड़ी से, छोटे से गांव से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी, और आज दापोली के आजाद मैदान पर अपने वनी भाटी अपने दाबोल का नाम बड़ा कर रहा है, अपने कोच का नाम बड़ा कर रहा है, अपने दापोली का नाम बड़ा कर रहा है। दुबई से उनके पिताजी का फोन आया, टूर्नामेंट के लिए शुभेच्छा दिए और इस बच्चे के लिए भी शुभेच्छा दिए, वाह वाह क्या बात है। हिम्मत सर विकेट अलर्ट है, विकेट अलर्ट, क्योंकि आयुष जब जब आता है तब विकेट की आशा ही लेकर आता है। बिल्कुल, और ये देखिए पहली गेंद कमाल की थी, इस ओवर में विकेट जाने वाला है। बिल्कुल अलर्ट है, कहना मुश्किल है, देखिए आकाशवाणी आकाश चोपड़ा, और जब जब आता है आयुष कोलतरकर तब तक विकेट की आशाएं लेकर आता है। कैप्टन आदित्य विचारी यूं नहीं गेंदबाजी मार्ग पर लाते, विकेट टेकर ब्रेक थ्रू दिलाया, एक ब्रेक थ्रू दिलाना जरूरी था, उन्हें भी पता है कि पार्टनरशिप अगर यहां से और भी पनपेगी तो बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि सर्वेज जैसा बैट्समैन अभी भी डगआउट में है, वो जैसा आना अभी भी बाकी है, अहमद जैसा बॉलर भी उनके पास अच्छा है, और इस बीच देखिए ये क्या हुआ है बीच मैदान के अंदर, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, 8 गेंदों में देखा जाए तो अब तक एक भी रन खर्च नहीं किया है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए आयुष कोलतरकर के लिए। आयुष कोलतरकर ने प्रभावित किया है, और ये गेंदबाज लगातार देखिए बल्लेबाजों को बैकफुट पे ढकेल रहा है, लगातार गेंदबाजी अच्छी गेंदबाज है सुहेल, देखा जाए तो ज्यादा कुछ कहता नहीं है, जब करता है तो आग बरसती है, और वो ऐसी आग बरसती है कि बैट्समैन के लिए दिक्कत बन जाती है। राइट ओवर द स्टंप, ये देखिए फिर एक बार लेंथ गेंद थी, लेकिन बैट्समैन से दूर रखा था, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी, लेकिन स्विंग होकर सीधी आउट स्विंग होकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई, और बैट्समैन आर्यो को पूछा गया दोस्त गेंद कैसी थी, आर्यो को
प्रेशर में डाला है, क्योंकि घर में रसोई में देखा जाए तो जब गैस के ऊपर कुकर रहता है और कुकर पर जब प्रेशर बनता है और जब सीटियां बजती है तो आउट होने का खतरा होता है, और अब ये प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है बीच मैदान के अंदर, किसके ऊपर? आर्य के ऊपर। कौन दिला रहा है? आयुष कोलतारकर। हाँ, अच्छा प्लेसमेंट, मना किया, सांगतो है सिद्धेश पाटील मित्रा काही कर पण विकेट टाकू नकोस, आपली साझेदारी टिकणं खूप गरजेचं आहे, कारण की गोलंदाज काही छोटा गोलंदाज नाहीये, 10 चेंडू मध्ये एकही धाव दिलेलं नाही, एकदा जोरदार टाळ्यांचं गजर होऊन धाव द्या आयुष कोलतरकर साठी। देखिए आयुष कोलतरकर की बात कीजिए, अभी तक 10 गेंदे विकी, एक भी रन नहीं खर्च किया है, कमाल का गेंदबाज, कमाल का गेंदबाज, इसीलिए तो मेरे फेवरेट लिस्ट में सबसे अव्वल दर्जे पर ये खिलाड़ी है। इस बार देखिए आर्य के बल्ले को आप कब तक रोकोगे, आर्य का बल्ला 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 चल पड़ा है, माशाल्लाह क्या बात है, जड़ दिया चौका, चार चौका। आयुष कोलतरकर को भी कह रहे हैं कि एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, कम ऑन डीजे। गए आर्य को जिस तरीके से, आयुष को, आर्य की बैटिंग बहुत ही कमाल की थी, बहुत देर तक इंतजार किया फिर वार किया, मैं तारीफ भी करूंगा वहां पर आर्य की बैटिंग की, क्योंकि बुलेट कवर ड्राइव था, प्रसाद भी देखे एक टक लगाकर रेबन का चश्मा पहनकर मैच को देख रहा है बाउंड्री लाइन के बाहर, अपने बाइक पर बैठकर स्कूटी पर बैठकर बड़े ही मजे ले रहे हैं दर्शक। एक बार आयुष कोलतरकर अच्छी की थी, इस बार देखिए आउटसाइड द लेग, अंपायर का इशारा, सुमित जामदार कह रहे कि ये गेंद दिशा से भटक रही है, वाइट का इशारा, वाइट के साथ रन संख्या की बात की जाए जाकर पहुंची 82 बिना किसी नुकसान के, बीच मैदान के अंदर चलता हुआ सर्वेश देखा जाए तो वन डाउन के रूप में जाएगा, हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं, लेकिन कहां ना कहां बहुत ही अच्छा क्रिकेट स्विच चल रहा है बीच मैदान के अंदर, बहुत ही दबाव बना हुआ है। अब यहां से टीम संतोष एजेंसी के लिए क्या कहते हो, दिक्कत में आ गई है टीम जरूर, अब इस पर कीपर भी कुछ नहीं कर सकता, गेंद बहुत तेजी के साथ चली गई, वाइड प्लस 4। देखिए आयुष कोलतरकर की हम तारीफ कर रहे, ज्यादा तारीफ हो गई अब, ने ये क्यों किया, क्योंकि वाइड गेंदे बहुत निर्णायक साबित होती है सुहेल मेरे दोस्त। यहां पर देखा जाए तो 11 ओवरों का खेल हो गया है, खेल खत्म, 88 रन बिना कोई नुकसान के, देखा जाए तो सिद्धेश पाटील कह रहे 35 गेंदों में 45 पर और आर्य भटकर खेल रहे 34 गेंदों में 17 पर, क्या कहोगे सुहेल? निशा खाद राइट हम और द विकेट किस फाटक डेवलपर्स इन की तरफ सेकंड बाधी के लिए तैनात, अच्छी गेंद दिखे सिल्वर रन गेंद फेंकी थी वहां पर फैसल मुल्ला मौजूद है, खराब फील्डिंग लेकिन उनका बैकअप करते हुए एक रन लेना चाहते, दूसरा रन लेना चाहते बांटकर लेकिन इस बार रोका बल्लेबाज सिद्धेश पाठक, भाग्यशाली रहे, नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी। स्कोर की बात करूं तो टीम का स्कोर 109 पर जा पहुंचा।
विदाउट लॉस अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है, लेकिन इस बार अच्छी गेंदबाजी, लाइन लेंथ पर गेंदबाजी चल रही है बीच मैदान के अंदर। खुद कप्तान बॉलिंग पर आए हैं, उन्हें पता है कि इस बैट्समैन को किस तरीके से बांधे रखना है। ऑफ स्पिनर बॉलर है, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी इनके पास भी है, मिश्रण अच्छा है इनके पास। और इस बार देखिए आर्यन का बल्ला स्लॉक, आर्य का बल्ला स्लॉक स्वीप के मानिन चल पड़ा है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जड़ दिया है खूबसूरत चौकार। फिर एक बार देखिए मुकाबले की तरफ आते हैं, काउंटर अटैक शुरू हो चुका है, बहुत ही कमाल की बैटिंग चल रही है दोनों तरफ से, धुआंधार बैटिंग। इस बार देखिए फिर एक बार गेंद जा रही है तेजी के साथ, ओ माय गॉड। और यहां पर देखिए आप एक बड़ा मैच खेल रहे हो, ग्रैंड फिनाले, चुकीला माफी नहीं आई है बिल्कुल, एक चुकी त्याच्याच कारणाने पूर्ण टायटॅनिक चित्रपट मध्ये टायटॅनिक बुडलं होतं, ती चुकी महागात पडली होती आणि टायटॅनिक बुडून गेलं होतं, म्हणूनच चुकीला माफी नाही आहे। पाहूया पुढचा चेंडू, थ्री हिट की गेंद आर्या के लिए, इस बार टॉप एज लगा है, निशा खान गेंद के नीचे आई, तब तक तो गेंद लैंड हो गई थी। और यहां पर एक रन पूरा, फ्री हिट की गेंद पर एक रन हासिल किया, ओवर की हो गई है समाप्ति। 13 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 120, चलते डीजे की तरफ थोड़ा 119 विद बिना कोई खरं म्हणजे आमचे राम सरांचं मी सल्यूट करीन, काय त्यांनी बघा डोकं लावलंय, त्यांना माहित आहे वेळ निघून जाईल ह्याच्यातच, एक एक चौकार गेल्यानंतर दोन दोन मिनिटं जास्त जातात, म्हणूनच त्यांनी बाउंड्री लाईन वरती व्यवस्थित के मुलांचं पण एक एंटरटेनमेंट होऊ दे, लाईनमॅनचं काम पण होऊन जाऊ दे आणि त्यांना बक्षीस पण भेटू दे, भर उन्हात मुलं काम करतायत। ओवर टू सुहेल सर। फिर से एक बार खराब कीपिंग, लेकिन निशा खान मौजूद है, पकड़ेंगी जब तक गेंद तब तक एक रन आसानी के साथ। और दिखने वाली बात है फाटक डेवलपर्स और कीपिंग थोड़ी सी खराब नजर आ रही है, देखिए जितने आप गलतियां करेंगे उतने आपको महंगे साबित हो सकते हैं। फिर से एक बार फाटक डेवलपर्स इनकी तरफ से गेंदबाजी के लिए, देखिए गेंदबाज फसल मुल्ला मैन फ्रॉम चिपलून, स्ट्राइक पर बल्लेबाज आर्या भाटकर, देखने वाली बात है कैसी बल्लेबाजी करते अपने टीम के लिए। फिर से एक बार उड़ाया गेंद को, एक स्ट्राइक मिड ऑन फाइन लेग थर्ड मैन की तरफ, अतर वचिल्ले मौजूद है और गेंद निकली चार रनों के लिए, खराब कीपिंग वहां पर बल्ले फील्डिंग अथर्व चिल्ले। खान एक चांगला खेळाडू आहे, नईस खानला समजते काही छोटे आहेत, तर जाऊया पुन्हा एकदा मॅच कडे। ओहो अच्छा शार्प टर्न देखने मिला यहाँ पर फैसल मुल्ला की ओर से, एक अच्छी गेंदबाजी, आउटसाइड लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद निकल रही थी और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज हम देख रहे फैसल मुल्ला, एक पार्ट टाइम गेंदबाज, गेंदबाजी मार्ग पर आए क्योंकि विकेट मिल नहीं रहा है, पार्टनरशिप पनप रही है, पार्टनरशिप जाकर पहुंची 130 की पार्टनरशिप बनी अभी तक, क्या बात है। फिर से एक बार फाटक उड़ाया गेंद को, फील्डर मौजूद अतर वो चिल्ले, खराब फील्डिंग, देखिए लगातार आप फील्डिंग में मिस करेंगे उतना आपको फिर महंगा
होगा, जब आप रन चेस करने के लिए आएंगे तब आपको ये दो दो रन एक एक रन आपको बचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए अपन पाहतो मित्रांनो मोठी स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा, मान सन्मानाची स्पर्धा पाहतोय, तर मित्रांनो कुठेच जाऊ नका, इथेच थांबा आणि पाहत रहा। 2011 जसा आपण वर्ल्ड कप पाहिला होता तसाच वर्ल्ड कप पाहतोय 2023 मध्ये मित्रांनो। फिरसे एक बार अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए खराब थ्रो। देखिए आप लगातार गलतियां कर रहे, लेकिन थोड़ा तेज थ्रो था, गैदर नहीं कर पाए, लेकिन देखिए आप जितनी गलतियां करेंगे उतना गलतियों को आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मौके के ऊपर आप लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे, खराब प्रदर्शन। और ये देखिए आखिरी दिन है, आखिरी मुकाबला है, आपको फिर कभी मिलेगा मौका जब, या गलतियां करने का, सुधार करने का मौका कब मिलेगा? अगले साल मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा फिर से। इसी वजह से देखिए टीम का स्कोर हो चुका है 133 14 ओवर के खात्मे के बाद। प्रोजेक्टिंग स्कोर अनम यही बता रहा है कि इसी गति से रन बनते रहे तो 190 का आंकड़ा पार होगा। 9.50 की औसत से रन बन रहे हैं। आर्या भाटकर खेल रहे 45 गेंदों में 33 पर, और सिद्धेश पाटिल खेल रहे 44 गेंदों में 61 पर। कमाल की बैटिंग, बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप, 89 गेंदों में 133 रनों की पार्टनरशिप प्रोफेसर आप देख सकते हो। और अब बॉलिंग के लिए आदित्य, यहाँ मैं तारीफ करूंगा। देखिए सुहेल आपने बहुत अच्छी बात कही, पार्टनरशिप अच्छी पनपी है, 133 रनों की पार्टनरशिप पनपना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर रंग भी रहा है, दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है इस बार। ये देखिए तो टीम का स्कोर 139, दोनों बल्लेबाजों की अच्छी पार्टनरशिप। ये देखिए बैकफुट पर जाकर अच्छा कट किया था इमाद सर। अब सिद्धेश पाटिल की बात की जाए तो आज रमेश कोपटकर यांनी या आयोजकांची मेहनत बघून 500 रुपयाची देणगी दिली आहे, आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। आणि हा येतोय चौ 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 चौकार चार चार। तर अपन पाहतो शाप सत्र के अंदर में एक बार चलते गेंदबाजी मार्ग पर कोलतर कर पाते हैं अपन। आयुष कोलतर कर क्या गेंदबाजी करे, फाटक डबले पर इन की तरफ से इस टूर्नामेंट के अंदर इस गेंदबाज ने मेडन ओवर डाला है। और आज के ग्रैंड फिनाले के अंदर जब पहली ओवर के अंदर आए थे तब भी इस गेंदबाज ने कुल मिलाकर आर्या भाटकर को 6 गेंदे बिंदी फेंकी थी, कुल मिलाकर मेडन ओवर फेंकी थी। चलते फाटक डेवलपर्स इन की तरफ से राइट हम और द विकेट गेंदबाजी के लिए। ओहो अच्छा कट किया, लेट कट किया, वहां पर निशा मौजूद, निशा खान। जब तक निशा खान फील्ड करते तब तक एक रन का अवसर बना, एक रन के साथ धाव। और इसके साथ सीरज खटावकर सर कह रहे कि ये वाइट है, वाइट प्लस वन, यानी कि कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची 160 रन पर। 16वीं ओवर प्रगति पर चढ़ रही है, 160 रन बने हुए और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर जो विकास कंस्ट्रक्शन के नाम है, क्या वो रिकॉर्ड आज टूटेगा?
देखने वाली बात रहने वाली। परंजल पवार जो कैप्टनशिप, हाँ आयुष महंगे नजर आ रहे जरूर। पॉइंट के दिशा में शॉट खेला, क्लासिक शॉट सिलेक्शन, देखिए गेंद निकली, तारा रारा पम पम सौकार फिर से एक बार होने वो। मैच संपल्यानंतर सगळ्यांना भेटणार 50 रुपये। अहो अच्छी गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ, अच्छा शॉट खेला वहां पर फील्डर मौजूद, एक तेरी तो एक मेरी। और आर्या भाटकर की बात की जाए, ओपनिंग में आए थे अभी तक खड़े, क्या एनर्जी रहेंगी, क्या फिटनेस इस खिलाड़ी का लगातार प्रभावित किया है। देखिए 2011 के अंदर हमने वर्ल्ड कप देखा श्रीलंका वर्सेज इंडिया के बीच, और वो वर्ल्ड कप की पूरी झलकियां पूरे याद यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छी गेंद रफ्तार का सौदागर आयुष कोलतरकर, श्रेयस खट्टावसर का इशारा आ रहा है कि 16 ओवर की खात्मा, और 16 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या बनी है 164 एक विकेट के लुक्स में। बहुत अच्छा टेम्परमेंट नजर आया, सोच अलग है, आउट ऑफ सिलेबस भी सोचते हैं। नंबर 5 आदित्य विचारे, ओह अच्छी गेंद, इस बार विकेट बनने का मौका, क्या देखने वाली बात रहने वाली है। सुमित जामदार ने के पास यहाँ पर सवाल पूछा गया लेकिन उसका जवाब नहीं था उनके साथ उनके पास, और नाकारा वहां पर सुमित जामदार सर ने। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी एनर्जी देखने मिल रही है, देखिए T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, 6 ओवर का पावर प्ले। अगली गेंद, और अच्छा कट किया पॉइंट की दिशा में, गेंद ट्रैवल चौके के तरफ, देखने वाली बात है उसके पीछे अथर्व चिल्ले, लेकिन सिप बने के दर्शक और दर्शक बने के दीवाने। यहाँ पर आर्या क्या बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर, शॉट गेंद थी, शॉट गेंद को कट किया पॉइंट की दिशा में, फिर से एक बार मिलेंगे 4 तो होने वाला है तो बेड़ा इसी पार। के साथ टीम का स्कोर 170 अपने अर्धशतक से 2 रन की दूरी पर, क्या बात है 55 गेंदों में 48 रनों पर खेल रहे आर्या आर्या भाटकर, जो राइट हैंड साइड में व्हाइट कलर की एक्टिवा है बाहर निकालो। देखिए अनिकेत भाटकर सर खुश नजर आ रहे क्योंकि उनको बेटा क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर, ये पूरा आउट फील हो रहा है। ये देखिए फिर एक बार फाइनल की रीजन चार की मोहर, और इसी के साथ चार चार बल्ला दिखाया, देखिए तालियां बननी चाहिए इस अर्धशतक पूरा, 56 गेंदों में 50 रन की पारी यहाँ पर नाबाद पारी के लिए आलिया भाटकर, जितनी तारीफ की जाए हम उनको नजर आए चोगले इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम, और तोड़नकर रवि तोड़नकर सर की तरफ से 500 आर्या भाटकर के लिए 50 होने पर, वाह। थैंक यू, वाह क्या बैटिंग चल रही है बीच मैदान के अंदर बालाजी एंड की तरफ से। इस बार देखिए टॉप एज लगा, भाग्यशाली रहे आज, देखिए साईराज पाइटर के टीम के लिए भाग्य साथ दे रहा है, कदम मैडम वो वहां से हिले भी नहीं है, डगआउट में बैठे हैं। देखिए गलतियां विकेट कीपर से बहुत सारी हुई है सुहेल, इस बीच देखिए लेट कट, हमें आईपीएल की याद ताजा हो जाएगी, क्या कहते हो सुहेल? जरूर जरूर हो जाएगी क्योंकि इन बल्लेबाजों के पास ताकत थी और शॉट सिलेक्शन बहुत सारे, 18वीं ओवर चल रही है, चेतन पवार के पास हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी है, देखने वाली बात है कैसी बल्लेबाजी करते हैं। ये देखिए बिल्कुल कारपेट के सहारे मिरिट पर खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन आर्या भाटकर का स्ट्रोक था। इसी के साथ यहाँ पर टीम है और दूसरी तरफ साईराज फाइटर, ये टीम बीच मैदान के अंदर भिड़ रही है, 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से 2 टीम सर क्वालिफाई हुए, हर टीमों को 3-3 मर्तबा मौका मिला। इस बीच चोरी की अगेन आर्य का ये फटका टीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर मिस फील्ड, मिलेंगे फिर 4, क्या हो रहा है मैदान के अंदर।
थैंक यू सो मच। जितनी तेजी के साथ सिद्धेश पाटिल का रनों में इजाफा हो रहा था, रन बना रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा आर्य भाटकर बैटिंग कर रहे हैं और इनामी राशि के करीब करीब पहुंच रहे हैं। पांच चेंडू शिल्लक आहे, परंतु मैच पहा, पहिल्या सत्राचं खेल 195 रेकॉर्ड होता, मग 196 चा टार्गेट आणि 196 नंतर आता झालेत 197। हा सिद्धेश पाटील आउट झालाय, परंतु तुम्ही हा सिद्धेश पाटील आउट झाला असेल हे विसरून जमणार नाही, तुम्ही हे विचार करा की आर्य भाटकर हा थोडासा इंजरी झाली आहे, म्हणूनच तो फलंदाज विकेट गेला त्याचा आणि त्याचा एलिव्हेशन नाही भेटला त्या फटक्यावरती आणि आउट झाला, त्याला डॉक्टरकडे घेऊन गेलेले आहेत। आम्ही आशा बाळगू की तो लवकरच चांगला होऊन आम्हाला दुसऱ्या सत्रामध्ये खेळताना दिसेल। क्रॅम्प आ चुका था उस खिलाडी को, ये देखिए बॅकफुट पर जाकर सर्वेश ने कोशिश की, कॅच ड्रॉप, खुद को पकडू के कॅच को पकडू और ये हो जाता है कभी कभार क्योंकि मैच बड़ा है, प्रेशर बनता है। और ये देखिए यहाँ फिर एक बार शाम की धुंधली रोशनी में दिन दहाड़े 5:20 पर 2 रन की चोरी कर ली दोनों बल्लेबाजों ने। क्या बात है। देखिए इसी के साथ 20 ओवर का खात्मा, 202 रन बने, 203 रन बने हैं, 200